नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमा किचन हेल्दी फूड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का रेसिपी मैं बनाऊंगी पालक की पकौड़ी, तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने हरा पालक लिया हुआ है, ताजा पालक है हमारे खेत का, हमने अच्छे से धो लिया है इसे। तो यहाँ हमने हरा प्याज लिया हुआ है, दो सूखा प्याज हमने छिलका उतार लिया है, हरा धनिया। तो सभी सामग्री को कट करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने प्याज और धनिया काट लिया है। तो ये मैं पालक का जो कड़ी पत्ती है मैं निकाल दे रही हूँ, हमें नरम नरम मुलायम वाली पत्ती लेना है। तो मैं इसे, इसका जो पत्ती वाला भाग है, मैं इसे तोड़ के फिर काट ले रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने नरम वाली पत्ती निकाल लिया है, तो मैं इसे बारीक काट ले रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा थोड़ा सा है पालक, तो मैं इसे भी कट, तो दोस्तों ये लास्ट का है तो मैं कट कर ले रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा है, तो चलिए आगे बताती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने मिर्ची लिया हुआ है, लहसुन का कली, अदरक हमने छिलका उतार लिया है, तो हमें इसको कूट कर डालना है। आप चाहें तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं पकौड़ी में। तो दोस्तों मैं चटनी बनाऊंगी। यहाँ हमने शहतूत लिया हुआ है, लहसुन का कली, मिर्च हमने हरा और सूखा, लाल मिर्च दोनों लिया है, और नमक, हरा धनिया। तो मैं इसका चटनी बना के फिर दिखाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ हमने बेसन लिया हुआ है, तो मैं इसे कट कर ले रही हूँ, हमने पैकेट वाला लिया हुआ है। तो यहाँ हमने बर्तन लिया हुआ है, तो चलनी लिया हुआ है, तो मैं इसे चाल लेती हूँ बेसन। तो दोस्तों चालने से जो कचड़ा पट्टी रहता है ज्यादा दिन का हो जाता है, तो चाल के बनाएंगे तो ठीक रहेगा। तो बेसन में मैं सामग्री डाल दे रही हूँ, तो एक कटा हुआ पालक, ये बारीक कटा हुआ प्याज, सूखा प्याज हमने लिया हुआ है, ये है हरा प्याज, ये अजवाइन है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, तो मैं साथ में ही डाल दे रही हूँ सब, ये लहसुन वगैरह का टेस्ट, ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ती। तो दोस्तों मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। सभी सामग्री को अच्छे से बेसन में मिला लेना है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दे रही हूँ, ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी होके फ्राई करते समय अच्छे से पकेगा, जब तेल इसमें मिक्स रहेगा। तो एक दो चम्मच के करीब मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ, डाल के अच्छे से मिला दे रही हूँ। देखिए तो दोस्तों हमारा बैटर बनके तैयार है पकौड़ी बनाने के लिए। तो मैं 5 मिनट के लिए इसे ढक देती हूँ। तो दोस्तों चूल्हे में आग को जला लिया है, कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म है, तो मैं इसमें रिफाइन का तेल डाल रही हूँ। तो थोड़ा और मैं सरसों का तेल, दोनों मिक्स करके बनाऊंगी, इसमें फ्राई करूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी पकौड़ी का जो मसाला है एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है, एकदम खिल गया है। तो मैं चलिए फ्राई करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं छोटे छोटे पीस में पकौड़ी बना ले रही हूँ, तेल हमारा गर्म है अच्छे से, तो मीडियम ही आंच पे पकाना है। पहले ज्यादा थोड़ी सी तेज कर दें, उसके बाद थोड़ा धीम करके पकाएं। अभी तो हमारा तेज ही जल रहा है चूल्हा आग। तो दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा इसे पलट दे रही हूँ, ये अंदर फ्राई हो चुके हैं। तो दोस्तों एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इनको पकाना है। तो पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, देखिए कितना सुनहरा कलर आया हुआ है। तो मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ, मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ, बाकी का इसी प्रकार हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं लास्ट बार डाली हूँ फ्राई करने के लिए पकौड़ी। तो मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ना तो बड़ा बनाए हूँ ना तो छोटा, मीडियम साइज में बनाए हूँ, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ये देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से हमारा पालक का पकौड़ा फ्राई हो रहा है। तो दोस्तों पालक का पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ में, प्लीज आप लोग जरूर बनाइएगा।
ये देखिए फ्रेंड, हमारे पकोड़े पालक के फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसे भी प्लेट में निकाल ले रही हूँ। बहुत ही अच्छे पकोड़े बने हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं और हमने शहतूत का चटनी चटपटा बनाया हुआ है, तो खट्टा मीठा चटनी हमारा बनके तैयार है। तो आप अपने मनपसंद का चटनी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।